वीडियो कॉल, ये जो फ्रिज है ना ये आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। ये देख लीजिए वीडियो कॉल जो फ्रिज का ना कुछ दिखा देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले बात करेंगे वीडियो कॉल फ्रिज के, ये इलेक्ट्रिसिटी 299 यूनिट पर ईयर। ये देख लीजिए यहाँ पे पावर अप, इसके ऊपर 5 स्टार इको फ्रेश। सबसे पहले अगर ये सबसे पहले आप देख लीजिए, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख जैसे ये ओपन है, अंदर से उसको ओपन कर दिया मैंने। ये इसका है ना, ये लॉक है, नॉर्मली लॉक जो रहता है फ्रिज के लिए। इसके अंदर ना आप ये देखिए एक दो तीन यहाँ पे भी रख सकते हैं आप अच्छे तरीके से करके। ये सबसे अंदर, इसके अंदर आपको ना नॉर्मली ये जो फ्रिज का है ना, वो फ्रिज का ये देखिए यहाँ पे आप कुछ भी आप रखो, बॉटल रख सकते हो, देखो यहाँ पे रख सकते, 1 2 3 4 शायद नीचे रख सकते। यहाँ पे बॉक्स है छोटा वाला फ्रिज के अंदर, ये देख लीजिए दोस्तों। सबसे अंदर क्या है, अगर आपको फ्रिज अच्छा क्वालिटी का लेना होना तो सबसे पहले आपको उसके लिए सबसे पहले आपको वायरिंग कराना पड़ता है। वायरिंग के लिए आपको एसी के लिए और फ्रिज के लिए हम सेम वायरिंग करता है, 2.5 का आपको उसका बोर्ड लाना पड़ेगा, मतलब जो बोर्ड रहता है उसके लिए वायरिंग आपको 2.5 का कराना होगा दोस्तों। उसके बाद 15 एम्पेयर का जो बोर्ड रहता है उसका, अगर एंकर का लोगे तो उसका प्राइस 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़ तक हो सकता है, पर वायर आपको थोड़ा बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि जो आपका जो डिस्टेंस है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप ले सकते हो या मीटर बॉक्स से ले सकते हो, पर अगर आपको लेना हो तो डेफिनेटली उसका ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 2.5 का वायर आपको लाना दोस्तों। ये जो है ना ये रेगुलेटर है, मतलब जो फ्रिज का जो ये रहता है ना, मतलब डीप फ्रिज, फ्रिज का रेगुलेटर मतलब कितना भी इसके ऊपर आप रख सकते हो, इसके ऊपर ये रहता है। ये देखो यहाँ पे समर पे रखना पड़ता है आपको, ये देखो यहाँ पे लिखा है समर पे, ज़्यादा समर पे फुल हो जाएगा। ये देखो ये जो ऊपर पूरा ये आइस हो चुका है डीप फ्रिज, ये इसके ऊपर ये आइस है, उसके बाद ही ये पूरा जो नीचे है ना वो नीचे फैल जाता है पूरा आइस, मतलब जो ठंडा फ्रिज ना यहाँ के ऊपर ही आइस हो जाता है, उसके बाद ये पूरा फैल जाता है। ये देखो ये जो नीचे है ना वो आइस का ट्रे है, आइस का ट्रे आप इसके अंदर जो आइस रख सकते हैं, और आइस का छोटा छोटा टुकड़ा है ना इसके अंदर आप रख सकते हो, और ये जो ये देखिए यहाँ पे ट्रे रख सकते हैं। ये आप कितना भी ट्रे लगा सकते हैं, आपको जिस सबसे 1 2 3 मेरे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रे आपको इसको लगा सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। ये देखिए पूरी तरीके से क्लीन है, सोचा आपके साथ ही पूरे शेयर करूँ, क्योंकि मैंने वीडियो कॉन का आई थिंक मुझे ऐसा लगता है किया होगा, पर छोटा फ्रिज का किया होगा, स्मॉल फ्रिज का, मिनी फ्रिज का मैंने एक वीडियो डाला था मेरे चैनल के ऊपर, पर ये थोड़ा बहुत ये बड़ा फ्रिज का मेरे वीडियो नहीं डाला था, सोचा आज आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ दोस्तों। ये देख लीजिए अच्छे तरीके, थोड़ा बहुत वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है फ्रिज के बारे में, इसके वजह से थोड़ा बहुत वीडियो मैंने लंबा बनाया दोस्तों। सोचा आपके साथ पूरी कंप्लीट डिटेल जो रहता है फ्रिज के बारे में मैं आपको बता, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा पीछे से मैं देख रहा हूँ। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 इसके अंदर पीछे जो नीचे जो है ना वहाँ पे आप बॉटल रख सकते हो, यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हो, इसके अंदर कम से कम 2-3 बॉटल जाएगा नॉर्मल, यहाँ पे आप कुछ भी जो आइसक्रीम रहता है आइसक्रीम रख सकते हो इसके अंदर हो जाएगा फ्रिज। ये जो ट्रेन है एक वही मैं दिखा रहा हूँ पूरे, यहाँ पे ऊपर भी आप ये लगा सकते हैं ट्रे, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी लगा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ये जो फ्रिज है ना मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वीडियो कॉन का कंपनी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी घर में लेना था पर मैंने घर में वो दूसरा ले लिया है, मेरा जो है वो अलग है थोड़ा, गोदरेज कंपनी का है, तो गोदरेज कंपनी का मैंने लिया, उसका भी अच्छा है, वो साइज़ थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा है, वो मैंने लिया मेरे। ये फ्रिज के बारे में मैंने बहुत सुना था, गूगल पे भी पढ़ा था, सोचा ये वीडियो का 5 स्टार रेटिंग है, सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया था फ्रिज के, मुझे ऐसा लगता है मैंने वीडियो नहीं बनाया था, स्मॉल फ्रिज का मैंने बनाया था। तो दोस्तों अगर आपको फ्रिज लेना हो ना तो वीडियो कॉन का डेफिनेटली ले सकते हो,
बहुत ही अच्छा लग गया मुझे सर, तो ईद के लिए यहाँ पे लिखा भी है वीडियो कॉन। ये बैक साइड व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कितना हाइट है वो मुझे आपको दिखाना है, इतना कितना हाइट से आप इसको ले सकते हो जैसा लगता है। इससे भी बड़ा आता है, ये छोटा है फ्रिज है, इससे भी बड़ा आता है, पर ये जो है ना ये एक नॉर्मल मैनेज मतलब ये देखो, ये इसका दोस्तों लॉक है, ये देखो यहाँ पे दिखाएगा आपको, ये देखो ये जो ना ये जो लॉक है ना लॉक हो जाएगा, यहाँ पे इसका लॉक रहता है, उसको इस तरह लेफ्ट साइड से आप घुमाओगे तो ये पूरी तरीके से ऑफ हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, सॉरी लॉक हो जाएगा फ्रिज। ये देखो इस तरह से अगर फ्रिज नहीं, यहाँ देखो ये जो साइड में आपको दिख रहा है वो रबर है दोस्तों, मतलब ना अगर आप फ्रिज को अच्छी तरीके से बंद करोगे कम्प्लीटली, वो अगर बंद नहीं हुआ तो रबर कभी कभी चेंज भी हो सकता है। और इसके अंदर क्या था, कभी कभी रिले रहता है, रिले अगर फ्रिज का कूलिंग नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, पीछे ये जो फ्रिज है ना उसका जो पीछे की साइड बैक साइड है ना फ्रिज का, वहाँ पे एक रिले रहता है, उसको भी चेंज कर सकता है हम लोग, वो कभी कभी ख़राब हो जाता है तो ठंडा का कूलिंग नहीं आएगा, लाइट जलेगा पर कभी कूलिंग नहीं हुआ तो उस रिले को भी चेंज कर सकते, क्योंकि ऐसा कंप्लेंट आया था मैंने अटेंड किया था, क्योंकि फ्रिज नहीं चल रहा था, कूलिंग ही नहीं आ रहा था, तो उसके बाद मैंने क्या किया उसका जो रिले रहता है उसको चेंज कर दिया फ्रिज का, उसके बाद अच्छी तरीके से कूलिंग आना चालू हुआ दोस्तों। कभी कभी ये रिले का भी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी गैस ख़त्म हो जाएगा तो बात अलग है, क्योंकि गैस तो वो जो टेक्निकल रहता है गैस चेंज करने वाला उसके हम लोग बुला सकते हैं, पर नॉर्मली मेरे हिसाब से तो नॉर्मल कभी कभी आप चेक कर सकते हैं उसको। ये देख लीजिए यहाँ पे जो फ्रिज है ना, ऐसा बहुत फ्रिज उतना रिपेयरिंग के लिए उतना प्रॉब्लम आता नहीं, क्योंकि अच्छा क्वालिटी का लोगे तो उतना प्रॉब्लम होगा दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि अगर आप फ्रिज लेना ले रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके लिए अच्छा 15 एम्पर आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा दोस्तों। ये जो है ना ये देखो ये स्विच है इसका, ये देखो दिख रहा है आपको ऑन ऑफ हो रहा है ना ये स्विच, बैक टू पॉइंट होता है। मैं क्या सबसे पहले फ्रिज लेने से पहले आपको 15 एम्पर एक बोर्ड बनाना पड़ेगा याद रखिए, उसके अंदर आपको 2-2.5 का वायर, एक फेस, एक न्यूट्रल और अर्थिंग सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपको पूरी तरीके से वायर खींचना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद 15 एम्पर का बोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद फ्रिज लेके आओगे, क्योंकि नॉर्मल अगर आप 1.5 के ऊपर जाओगे तो वो लोड लेगा नहीं और आपका ये MCB ट्रिप होता जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको फ्रिज लाने से पहले आप अच्छी तरीके उसको बोर्ड बनाएं, वो भी 2.5 का वायर कर लेके आओ, वो बोर्ड आपको बनना पड़ेगा, उसके बाद आप नया फ्रिज लाओ, क्योंकि फ्रिज से पहले आपको 2.5 का बोर्ड, क्योंकि हेवी बोर्ड आपको डेफिनेटली लगाना पड़ेगा। ये देख लीजिए इस तरह से यही फ्रिज का, ये नॉर्मल साइज वीडियो था, ये यहाँ के ऊपर बॉटल रख सकते हैं क्योंकि ये बेली का बॉटल है, और ये देखो ये जो कुछ गिराना है 15 एम्पर का स्विच, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देख लीजिए नॉर्मल साइज वीडियो था दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि चैनल पर और सब्सक्राइब करने के बाद उसका जो नोटिफिकेशन रहता है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर गया ना तो मेरा जो वीडियो है ना आप तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।